इंडिया में हर रिलीजन के अलग अलग कानून है, लेकिन एक ऐसा आइडिया है जो सबको एक ही सिविल कोड के नीचे लाना चाहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इस पर इतनी चर्चा क्यों होती रहती है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से UCC को समझेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड या UCC का मतलब क्या है? दोस्तों, UCC का ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा सिविल कोड बनाना जो सभी इंडियन सिटीजन्स पर लागू हो, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। इस कोड का फोकस होता है पर्सनल लॉज जैसे शादी, तलाक, संपत्ति का विभाजन और अडॉप्टेशन। आज के टाइम पे अलग अलग धर्मों के अलग लॉज हैं, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ आदि। UCC का पर्पस है सबके लिए एक ही कॉमन लॉ बनाना। दोस्तों, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। UCC का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त आया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन है जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। ये वो गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट को बताते हैं कि उन्हें कैसे लॉज बनाने चाहिए, लेकिन ये गाइडलाइंस मैंडेटरी नहीं होती। आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट करना चाहिए ताकि सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिल सके। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिर्फ गाइडलाइंस होते हैं, ये कोर्ट्स में एनफोर्स नहीं किए जा सकते, इसलिए आज तक UCC इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दोस्तों, आजकल UCC न्यूज में क्योंकि कई राज्य सरकार ने इम्प्लीमेंट करने का सजेशन दिया है। गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने अपने यहाँ कम्युनिटीज बनाई हैं जो UCC के फायदे और चैलेंजेस को स्टडी कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर काफी सीरियस है। दोस्तों, चलिए समझते हैं UCC के कुछ पॉजिटिव्स क्या है। इक्वल राइट फॉर ऑल। UCC से सबको एक समान कानूनी अधिकार मिलेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। जेंडर इक्वालिटी। कई रिलीजियस पर्सनल लॉज आज भी जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। UCC के थ्रू हम जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। सिंप्लीफाइड लीगल सिस्टम। अलग अलग पर्सनल लॉज होने से कंफ्यूजन होती है। UCC से एक क्लियर यूनिफॉर्म सिस्टम बनेगा जिससे लीगल प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाएंगे। दोस्तों, UCC को लेकर कुछ कंसर्न्स भी है। कल्चरल डाइवर्सिटी। भारत एक मल्टी कल्चरल देश है और कई लोग कहते हैं कि अलग पर्सनल लॉज से उनकी कल्चरल आइडेंटिटी बची रहती है। UCC इसे डाइल्यूट कर सकता है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स। कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज को डर है कि उनके धार्मिक कानून को बदला जाएगा जो उनकी रिलीजियस बिलीफ को अफेक्ट करेगा। तो क्या UCC इंडिया में लागू होगा? कई लीगल एक्सपर्ट कहते हैं कि ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस होगा क्योंकि सब धर्मों की रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस अलग हैं। लेकिन अगर UCC लागू होता है तो ये भारत के लीगल सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है और इक्वालिटी के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। तो दोस्तों, UCC का टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका मकसद सिंपल है, एक इक्वल सोसाइटी जहां सबको एक समान कानून मिल सके। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंडिया UCC के लिए तैयार है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।